क्या आप जानते हैं कि आखिर हिंदी भाषा से इतनी ज्यादा घृणा क्यों है तमिलनाडु में रहने वाले लोगों को? अगर नहीं जानते तो हम बता दें। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। तमिलनाडु में जो धर्म विरोधी पार्टियां हैं उनकी वजह से उन्होंने ही हिंदी भाषा को लेकर वहां के लोगों के अंदर ऐसा विष घोल दिया है कि जिसकी वजह से हिंदी बोलने वाले तेलुगु बोलने वालों से घुल मिल नहीं पाते और वो बेचारे खुद को अलग खलग पाते, जबकि हिंदी हिंदुस्तान की अपनी भाषा है और अंग्रेजी अंग्रेजों की। लेकिन फिर भी तेलुगु बोलने वालों को ये गुलामी भाषा की लत लगवाई गई और हिंदी बोलने से वंचित कर दिया गया। इस वजह से वहाँ के हिंदुओं के साथ जो कुछ भी घटित होता है वो पूरे भारत तक बात नहीं पहुँच पाती, जबकि ईसाई धर्म वालों की भाषा है इंग्लिश और मुसलमानों की भाषा है उर्दू। वो सब अपनी अपनी भाषा अच्छे से जानते हैं, इसलिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जबकि एक बेचारा हिंदू है जो अपनी क्षेत्रीय भाषा में ही उलझा है और एक दूसरे से भाषावाद के चक्कर में लड़े जा रहा है और एक दूसरे से जुड़ नहीं पा रहा है, जिसके कारण आए दिन हिंदू कम और कम होते जा रहे हैं। देश द्रोही पार्टियां हमें भाषावाद में फंसा कर हमको ही आघात पहुंचा रही हैं, जिसे पूरे दक्षिण भारत को ही देख लें, वहाँ के हिंदुओं को हिंदी से दूर दूर तक का कोई नाता रिश्ता नहीं है। दक्षिण भारत को ईसाई बाहुल्य बना दिया गया है। ये यही की बात नहीं है, एकदम ऐसा ही उत्तर पूर्व भारत के साथ भी हुआ। इसके कारण वहाँ तो हिंदू बचा ही नहीं। अभी भी समय है, पूरी तरह से हाथ से समय निकला नहीं है, इसे रोका जा सकता है। बस एक छोटा सा कदम भाषा के चक्कर में अपने हिंदू भाइयों के साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार न करें। धर्म विरोधियों को पता है अगर भाषावाद हटा दें तो धर्म परिवर्तन नहीं करा पाएंगे, इसलिए वो भाषावाद में उलझा कर रखना चाहते हैं। और यही बात मनीष कश्यप बोली तो बिहार के बेटे, तो वो यही सब दिखाना चाह रहे थे जो उनको अब जेल के अंदर डाल दिया गया है। उनके ऊपर झूठे आरोप लगाए गए, वरना ऐसे कैसे हो गया कि बिहार के एक नेता M.K. स्टालिन के जन्मदिन वाले दिन जाए और वहाँ उसी दिन और उससे पहले बिहार के लोगों को हिंदी बोल की वजह से भगाया जा रहा हो। मनीष कश्यप यही सच्चाई दिखाना चाहते थे जो नहीं दिखा पाए, और हमें पूरी आशा है कि जो काम मनीष कश्यप जी करना चाहते हैं धर्मद्रोही पार्टियां जितना रोकेंगी हम उतना ही दिखाएंगे। एक दिन भाषावाद के बिगाड़ जरूर गिराएंगे। जय हिंद, जय भारत।